दोस्तों नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपसे जो है एक अपडेट शेयर करनी है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक RTI डाला हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो भी रजिस्ट्रेशन जो 15 मार्च 2021 जो डेडलाइन थी एग्जॉटिक पेट्स रजिस्ट्रेशन की, जो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर का जो डेडलाइन था, उसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने किए हुए हैं दोस्तों, क्या वो वैलिड है या नहीं है, इस पर जो है कई लोगों की क्वेरीज थी और कई लोग ये जानना चाह रहे थे दोस्तों। और गवर्नमेंट की जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया था कि 15 मार्च 2021 के बाद जितने भी एग्जॉटिक पेट्स के जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, इस पर कुछ भी किसी के पास अपडेट नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एक RTI डाला हुआ था जिसमें मैंने उनसे यही पूछा था कि जो जितने भी रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2021 के बाद किए गए हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। और दोस्तों यकीन नहीं कर सकता, जवाब तो आ गया है बट जवाब बहुत ही शॉकिंग, क्या एक तरह से देखा जाए तो जस्ट क्योंकि RTI फाइल हुआ था, 30 डेज के अंदर उनको रिप्लाई देना था, तो उन्होंने जो है रिप्लाई भेज तो दी है बट आप यकीन नहीं करोगे उन्होंने क्या भेजा है रिप्लाई का जवाब। दोस्तों इससे पहले मैंने कई बार जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने उनसे जो है रिप्लाई मांगा है RTI के माध्यम से, बट हर बार दोस्तों उनका एक ही जवाब आता है और वो भी कॉमन सा जवाब आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट 30th डे जो है दोस्तों मेरी RTI डिस्पोज ऑफ हो जाती है हमेशा, और जो उसका रिप्लाई आता है दोस्तों वो रहता है कि जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी आई थी एग्जॉटिक स्पीशीज के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो एक 11 या 12 पन्ने का जो एडवाइजरी आया था दोस्तों आपको याद होगा, जिसमें सब कुछ क्लियरली डिफाइंड किया गया है कि एग्जॉटिक क्या क्या है, क्या करना है ये सब, तो वही चीज दोस्तों जब भी मैं उनसे कोई भी RTI पूछता हूं दोस्तों, एडवाइजरी की कॉपी RTI जो है 30th डे डिस्पोज कर देते हैं और जो एडवाइजरी थी दोस्तों उसकी जो है PDF कॉपी जो है मुझे अटैच करके भेज देते हैं। ये तो हाल है दोस्तों जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का। और अपडेट के बारे में जो है एग्जॉटिक पेट का फ्यूचर क्या है, जो फ्यूचर रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या अपडेट रहेगा, इसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी कुछ भी नहीं है। आप उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं दोस्तों वो आपको एडवाइजरी की कॉपी भेज देते हैं, RTI डालिए उसमें भी वही भेज देते हैं, अपील करिए तो अपील का जवाब ही नहीं आता है दोस्तों, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास डालिए तो उसका जवाब मिलता ही नहीं है दोस्तों, या जो जवाब मिलता है तो वो जो है वो उनसे भी दो कदम आगे है, वो क्या करते हैं वो एडवाइजरी का जो कोई एक हिस्सा जो है कॉपी करके वो आपको पेस्ट करके वो उसके जवाब में दे देते हैं दोस्तों, और इस तरह वो भी आपकी जो अपील होती है या जो आपकी RTI होती है उसको डिसाइड कर देते हैं दोस्तों। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों, जो मैंने उनसे पूछा था कि 15th मार्च 2021 के बाद जितने भी एग्जॉटिक पेट के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं क्या वो वैलिड माने जाएंगे या नहीं, तो उस पर उन्होंने मुझे जो दोस्तों एज यूजुअल इस बार भी जो है एडवाइजरी की कॉपी मुझे भेज दी है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के पास भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो उसको जो है दोस्तों मेरे साथ जो है या कमेंट में सेक्शन में जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है, ना ही कोई सर्कुलर या कोई भी जो है उन्होंने अपडेट भेजा है कि इसके बाद 15 मार्च के बाद जिन लोग नहीं कर पाए या किसी भी कारण से या नहीं हो पाया, या अगर कोई नया स्टॉक खरीद रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है एग्जिस्टिंग ओनर के पास से, तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, इस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों आप में से किसी के पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी हो, अपडेट हो, तो दोस्तों मेरे साथ उसको ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, कि चैनल के माध्यम से मैं बाकी भी जो अपने फैंसियर से दोस्त हैं उन तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू।